राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के लिए सोमवार का दिन काफी अहम रहा और 11 आरएएस अधिकारियों का प्रमोशन तय हो गया। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की मौजूदगी में दिल्ली के यूपीएससी भवन में हुई बैठक में इनके नामों पर मुहर लगा दी गई, जिसके बाद अब जल्द ही डीओपी से आदेश जारी हो सकते हैं। इसमें 1989 बैच के चित्रा गुप्ता, अंतर सिंह नेहरा, आराधना सक्सेना, घनेन्द्र भान चतुर्वेदी और करण सिंह, 1991 बैच के परमेश्वर लाल, महावीर प्रसाद वर्मा, विश्राम मीणा, कन्हैयालाल स्वामी और ओम प्रकाश के नाम शामिल बताए जा रहे हैं, लेकिन निष्काम दिवाकर के प्रमोशन पर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया जा सका है। बताया जा रहा है कि एकल पट्टा मामले में आरोपित होने के चलते दिवाकर का नाम प्रमोशन लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, तो महेंद्र कुमार पारक, हृदय शर्मा, डीपी गुप्ता, लक्ष्मण कुड़ी, राजेंद्र सिंह, नलिनी कंठोलिया, सोनलाल शर्मा और मेघराज सिंह रत्नू के नामों पर भी कोई विचार नहीं किया गया। बैठक में आरएसआरटीसी चेयरमैन राजहंस उपाध्याय और प्रमुख सचिव रोली सिंह भी मौजूद रहे। ये यूपीएससी में बैठक का आयोजन होता है और उसी तरह से ये वर्ष 2019-20 की ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी। कुल मिलाकर के 11 वैकेंसीज थी। इन 11 वैकेंसीज के ऊपर सीनियोरिटी लिस्ट के मुताबिक है और इसका जो टोटल एलिजिबिलिटी का चैनल होता है वो 3 times होता है, यानी 11 के मुकाबले 33 लोगों का इसमें वो एलिजिबल थे, लेकिन वो ऊपर ही जब आपको उपयुक्त कैंडिडेट मिल जाते हैं तो नीचे नहीं जाना पड़ता। यहाँ पर बाय एंड लार्ज इसका जो है एक जना जो नंबर 1 पे है वो पिछले कुछ वर्षों से भी उनका लगातार रिकॉर्ड जो है वो सीट कवर में रहता है, वो इस बार किया गया और बाकी 10 अन्य कैंडिडेट छांट लिए गए और कुल मिला के 11 रिक्तियाँ हैं। इसके मिनट्स बन चुके हैं, हम सबके साइन हो गए हैं। अब यूपीएससी से फॉर्मली ये डीओपी में भेजा जाएगा गवर्नमेंट में राजस्थान सरकार को और फिर सीएम साहब से इसमें अप्रूवल लेकर के आदेश।